So hi everyone, welcome to you all in my other video. This video is very, very good news for the students and those are coming on Australia on working holiday visa, you know. So these two visa, those are the student. Earlier there are some restrictions, so they remove, and nowadays they also given back the fee. So there is no fee if you are going to apply for new visa as a student or working holiday visa, or you are already on a student visa. Recently you came to Australia, they also given back to the money, you know. The main reason in that, you know, that Australia have a very critical shortage of healthcare workers especially, and they are giving some the exceptions for the students so they can work in this field, you know. So this is also news from NDTV in India. Article जो NDTV बहुत सारे जो Indians जो channels हैं या media है वो भी Australia news को जो है cover करती रहती है. तो यहाँ पर headline देख सकते हैं आप लोग के Australia says cheaper visa to students and job vacancies at high record. You know, तो basically होता क्या है Australia में every year 160,000 Australian government given the visa, that the PR visa. And last 3 years, this visa dramatically reduced due to the COVID. And due to COVID, they need more healthcare workers, more critical sector workers, you know. And apart from this, बहुत सारे student Australia में आते हैं student visa पे, तो वो भी 3 साल से जो नहीं आ रहे हैं, वो भी कम हो गए हैं. बहुत सारे लोग जो Australia में यहाँ आते हैं को बोलते हैं वर्किंग हॉलीडे वीजा, और वो वीजा पे भी लोग नहीं आ पा रहे हैं 30 साल तक. तो एक्चुअली यहाँ क्या हो गया, एकदम शॉर्टेज हो गई है लोगों की, लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए. तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं या आ गए हैं, उन सबको फी रिफंड किया जाएगा स्पेशली अप टू 3 मंथ तक के लिए, या जो है वर्किंग हॉलीडे वीजा, और जो है स्टूडेंट के लिए 2 मंथ के लिए. अगर अगले 2 महीने में अगर आप अपना वीजा फाइल करते हैं तो आपको जो है फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 3 मंथ के लिए वर्किंग हॉलीडे वीजा. वर्किंग हॉलीडे वीजा हम, ये एक वीजा होता है, 1 साल का वीजा होता है बेसिकली. मगर ये जो है वीजा मोस्टली दे गिव, दीज आर द हाई इनकम कंट्रीज. इंडिया इज कमिंग बेसिकली इन LMIC, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री. सो इंडिया इज नॉट इन दैट कैटेगरी. सो बट वर्किंग हॉलीडे वीजा दे मोस्टली गिवन दैट बेल्जियम, कनाडा, साइप्रस, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इटली, जापान, माल्टा, और नॉर्वे, साउथ कोरिया, स्वीडन, ताइवान, और नेदरलैंड एंड यूके. इफ यू आर फ्रॉम वन ऑफ दिस कंट्री तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीजा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर नॉट एलिजिबल, यू नो. तो इसमें क्या होता है, ये 417 और 462 जो है सब क्लास वीजा दिया जाता है, और ये 1 साल का वीजा होता है, और ये फिर जो है एक्सटेंडेबल होता है अंडर 2 ईयर के लिए. तो बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो घूमने आते हैं जस्ट जो है, और फिर साथ में साथ वो काम करते थे. जैसे कि 1 महीने गए वो सिडनी में, तो यहाँ पे कुछ काम कर लिया, फिर चले गए दूसरे शहर में, चले गए एडिलेड में, फिर वहां से चले गए वो मेलबर्न में. तो ऐसे ये लोग घूमते रहते हैं और यहाँ पे काम करते रहते हैं. तो बहुत सारे लोग तो बेसिकली आते हैं यहाँ पर, बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं इस वीजा के ऊपर, है ना. तो ये इंडियंस के लिए वीजा बेसिकली है नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वीजा क्या होता है. अब बात आती है ये स्टूडेंट वीजा जो है, और उसमें क्या क्या जो है अभी छूट दे दी गई है. तो सबसे पहले तो छूट ये है कि आपको बेसिकली, आप जानते हैं कि 40 आवर्स आप काम कर सकते हैं जो है 14 डेज के अंदर, मतलब जो है 20 घंटे पर वीक के हिसाब से आप काम करते हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर. तो उस रेस्ट्रिक्शन को अब हटा दिया गया है, तो आप जो है एक्स्ट्रा काम भी आप लोग जो है कर सकते हैं ना. और इसका मैंने लिंक दिया हुआ है इस न्यूज का जो है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो PM है उन्होंने अनाउंसमेंट किया यहाँ पर, और देखिए वी वांट, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि वी वांट यू टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड एंजॉय हॉलीडे हियर इन ऑस्ट्रेलिया, मूव ऑल द वे अराउंड द कंट्री. एंड मतलब बेसिकली अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और आपके पास आप स्टूडेंट वीजा है या ये वर्क हॉलीडे वीजा है, आप उस पर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं. मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ पर आने के लिए, और उसके लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ आइए और साथ साथ आप जो है काम भी कीजिए. तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं बेसिकली उसमें जो है यहाँ पर जो है एक क्रिटिकल शॉर्टेज चल रही है. तो यहाँ पर लिखा है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क ऑफ ड्यू टू द वायरस एंड बीन आस्क्ड टू सेल्फ आइसोलेट एज ए टोस्टर. मतलब जिसके जानते हैं यहाँ पर आज के डेट में जो है बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में. तो अगर किसी ने क्लोज कॉन्टेक्ट में आया है तो फिर उसको बोलते हैं कि भैया 14 डेज तक आप जो है आइसोलेट में रहो, और है ना,
और क्वारंटाइन में रहो तो उसकी उसकी जगह पे कौन काम करना जाएगा ना, तो उसकी जगह पे लोग चाहिए, यहाँ पर काम डेली डेली बहुत ज्यादा लोग चाहिए। तो आज की डेट में जो यहाँ पर 90,000 के आसपास पर डे जो केस आ रहे हैं, और ऐसा तो केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पर ओमिक्रॉन पर। एक गुड न्यूज ये है, यहाँ पर 95% जो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की वो डबल वैक्सीनेटेड हो चुकी है, और बहुत सारे लोग जो एलिजिबल है उसको भी जो है बूस्टर डोज दी जा रही है ना। तो जो लोग पॉजिटिव तो हो रहे हैं, पर वो लोग घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं, क्योंकि छोटा मोटा सर्दी जुकाम जैसा हो गया है, और डेथ यहाँ बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, और हम दूसरी कंट्री से अगर कंपेयर करें तो, है ना। और अगर उन्होंने यहाँ पर देखें कि उन्होंने दिखा है यहाँ पर बेस्ट जो है के वर्क फोर्स शॉर्टेज, पर्टिकुलरली द हेल्थ एंड एज केयर सेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 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 लोग रिटायर हो जाते हैं उनके लिए एज केयर जो सेक्टर्स होते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं जेरियाट्रिक नर्सिंग होम टाइप के, तो वहाँ पर सारे लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, उसको जो है पूरा गवर्नमेंट जो है बेसिकली फंड करती है उन लोगों के लिए, है ना। तो वहाँ पर काम करने के लिए, जहाँ पर लगा लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 80% से ज्यादा लोग जो इस समय काम करते हैं एज केयर सेक्टर में, वो नेपाली सिटीजन होते हैं और इंडियंस और पाकिस्तानी ना और बांग्लादेशी। तो जो अपना जो रीजन है बेसिकली, तो सारे इसके सारा जो है एज केयर में जॉब करते हैं, मोस्टली नेपाली होते हैं पर इंडियंस और ये सब भी यहाँ पर काम करते हैं। अब लोग ज्यादा चाहिए और लोग है नहीं, तो इस वीजा के लिए उन्होंने कहा है कि आप इस वीजा पर भी आप लोग जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो और जो है फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि हमारे नेता यहाँ गुण कहा है फेडरल गवर्नमेंट हैड अनाउंस लास्ट वीक दैट द 40 आवर पर फोर्टनाइट वर्किंग कैप्स विल, मतलब उनका है कि जो 40 घंटे काम करते थे 14 दिन के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाएगा इतने स्टूडेंट के लिए, अगर आप इस सेक्टर में काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फार्मासिस्ट हैं या नर्स हैं या आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोई भी अगर आप हैं और आप स्टडी कर रहे हैं और आप इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ना, तो उसके लिए जिन्होंने जो है ये बढ़ा दिया है। और उन्होंने और जो अनाउंसमेंट किया है कि $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो है लोगों के लिए बुला रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए ऑस्ट्रेलिया में जो है अपना बैकपैकर्स के लिए या वर्किंग होलीडे वीजा पे या स्टूडेंट के, मतलब आप लोग यहाँ आइए अपने होलीडे ऑस्ट्रेलिया में बिताइए और यहाँ काम भी कीजिए, तो क्या होगा ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है वो भी जो है बूस्ट करेगी। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है अभी एक बहुत ही गुड चांस है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रॉब्लम क्या था कि पहले उन्होंने 2 साल तक बंद किया, सारे स्टूडेंट जो है कनाडा और यूके जा रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया लोग नहीं आ रहे क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की ओपन नहीं कर रही थी। तो गवर्नमेंट आप चाहती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आइए, यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आइए या वर्किंग होल्डर वीजा पे आइए, आप यहाँ पे काम कीजिए और पैसा अर्न कीजिए, है ना। और इससे जो है जो शॉर्टेज है जो प्रोफेशनल्स का ऑस्ट्रेलिया में वो भी जो है कम किया जा सके। तो इसका मैंने लिंक दिया हुआ वीडियो का जो है, तो फिर आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।